पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन नेशनल ग्रीन कोर योजना अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में संचालित स्काउट इको क्लब के एक परिवार एक पेड़ अभियान का शुभारंभ जिला चीफ कमिश्नर स्काउट एवं पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू के मुख्य आतिथ्य एवं जिला सचिव स्काउट गाइड भिलवाड़ा व अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी नारायण लाल जागेटिया की अध्यक्षता में विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर किया गया। स्काउट इको क्लब प्रभारी एवं सहायक लीडर ट्रेनर स्काउट प्रेम शंकर जोशी के अनुसार इको क्लब के एक परिवार एक पेड़ अभियान के तहत स्काउट गाइड बालकों एवं इको क्लब सदस्य के परिवारों द्वारा अपने अपने आवास पर एक एक पौधा लगाकर उससे बड़ा पेड़ बनने तक उसकी देखभाल करने का संकल्प लिया जाएगा। इससे पूर्व अतिथियों ने कार्यक्रम में तृतीय सोपान स्काउट गाइड को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए कहा कि जिले के 500 स्काउट गाइड इको क्लब के माध्यम से पौधारोपण करवाकर पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों को जिले में गति प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विमला मौर्य, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा सुनील खोईवाल इंचार्ज, प्रधानाचार्य नाहर सिंह मीणा, व्याख्याता ममता शर्मा, कौशल्या राव, स्काउट गाइड तथा इको क्लब सदस्य उपस्थित थे। आज सुभाष नगर विद्यालय के इको क्लब द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत एक पौधा एक परिवार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में यहाँ के स्काउट गाइड संघ के जो स्काउटर्स हैं और गाइड्स हैं उनका प्रारंभिक रूप से सहयोग रहा। ये सभी छात्र छात्रा यहाँ अपने परिवार के माध्यम से इस पौधे के अंदर पौधे को इस विद्यालय में सुरक्षित रखने का संकल्प ले रहे हैं। ये कार्यक्रम पूरे जिले के इको क्लब्स के माध्यम से हरेक गांव में हरेक स्कूल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। वन की मुस्कान है, मानव की प्रत्येक सांस पेड़ पौधों की देन है। आज सुभाष नगर विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ। वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी है, हम सबको पौधे लगाने के साथ साथ पौधे की परवरिश यानी देख रेख रख रखाव व्यवस्था और उसकी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना है। पौधा लगाकर हम उसे बड़ा करें ताकि उसमें परिंदों का घर बने, छाया मिले, प्राणवायु प्रदान करे, किसी को भी पौधों की आवश्यकता हो तो मेरे से संपर्क करके निःशुल्क पौधे इस रविवार से अगले रविवार तक प्रकृति विहार गांधी सागर तालाब के सामने हनुमान कॉलोनी में मेरे से निःशुल्क सुबह 8 से 10 बजे तक रविवार से रविवार तक प्राप्त कर सकता है। अधिक से अधिक लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें, पुराने पौधे बचाएं, नए पौधे लगा करके उसे बड़ा करें। इसे पौधे लगा करके ही आप अपने जीवन को सुखी और सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं। असली प्राणवायु पौधे देते हैं और नियमित रूप से आप परिंदों को दाना पानी दें। परिंदों की ज़रूरत हो गर्मी में तो भी निःशुल्क आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक से अधिक चूँकि स्काउट गाइड अलग पहचान वाले होते हैं तो लोगों को प्रेरित करें कि हमें पौधे लगा करके उसको पल्लवित करना चाहिए और लोगों में इस बात का प्रचार प्रसार करें कि हमें पॉलीथीन का त्याग करना है, कपड़े के थैले का यूज करें। पॉलीथीन किसी भी कीमत पर हम काम में नहीं लें, अलग नज़र आने के लिए अलग काम करना पड़ता है। तो मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ।